नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 72 हुरे मूवी के ट्रेलर के बारे में। देखा जाए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया ही था कि 28 जून को जब इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होगा तो यकीन मानिए बवाल मचनाता है, और बवाल मचने भी लगा। जी हाँ दोस्तों, देखा जाए इस मूवी का जो ट्रेलर है वो रिलीज हुआ लमसम 12 बजे, लेकिन बवाल सुबह से ही मचना चालू हो गया। फिर चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, चाहे बड़े बड़े न्यूज चैनल ले लीजिए, हर जगह आपको 72 हुरे मूवी की ही चर्चा देखने को मिलेंगी दोस्तों। और वहीं ट्रेलर को भी लेकर के काफी ज्यादा विवाद हो रहा है दोस्तों। बताया जा रहा है कि सेंसर बोर्ड ने इसके ट्रेलर को आपत्तिजनक मानते हुए रिजेक्ट कर दिया है, और अब इस फिल्म का ट्रेलर सिनेमा घर में नहीं दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और वहीं सेंसर बोर्ड के इस फैसले से बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अशोक पंडित काफ़ी नाराज हुए हैं। देखा जाए इससे पहले इसके ट्रेलर को PVR में रिलीज करना जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड के चलते अब इसके ट्रेलर को सीधे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज करा गया है दोस्तों। और देखा जाए सेंसर बोर्ड का कहना है कि ट्रेलर में जो कुरान और पशु कल्याण के संदर्भ हटाए जाएँ तभी ये ट्रेलर सेंसर बोर्ड से पास होगा दोस्तों। तो सेंसर बोर्ड की भी इसमें कहीं ना कहीं बड़ी गलती है, क्योंकि अगर सेंसर बोर्ड मूवी पास कर देता है तो ट्रेलर जाहिर सी बात है मूवी से ही कट के बनाया जाता है। तो अगर मूवी पास है तो फिर ट्रेलर क्यों नहीं पास हुआ दोस्तों, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि देखा जाए इसके बारे में अभी बातें उठेंगी, और अशोक पंडित का कहना है कि ये जो बातें हैं बहुत दूर तक जाएंगी, तो हम लोगों को आने वाले समय में फिर बड़ा बवाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। और वहीं देखा जाए अगर हम इस मूवी की बात करें तो इस मूवी की जो कहानी है वो नौजवानों और युवाओं पर आधारित है। इस मूवी में दर्शाया गया है कि किस तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता है, और ब्रेन वॉश करके उनको आतंकवादी बनाया जाता है, और उनको बताया जाता है कि अगर तुम इस काम के दौरान, आतंकवाद फैलाने के दौरान तुम मर भी गए तो तुमको जन्नत मिलेंगी, और जन्नत में 72 हुरे मिलेंगी। और देखा जाए ये जो मूवी है पूरी द केरला स्टोरी टाइप की मूवी लगती है दोस्तों। तो वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या सेंसर बोर्ड ने गलत किया कि सही, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।